गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सब कैसे हैं? आओ बच्चों, आज मैं आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक साक्षी का दूसरा अध्याय पड़ोसी का कर्तव्य पढ़ाऊंगी, जिसमें एक अच्छे पड़ोसी के गुणों के बारे में बताया गया है। पड़ोसी का कर्तव्य। अरे बाप रे, सूरज सिर पर चढ़ आया, इतनी तेज धूप निकल आई, ज्वर के कारण समय पर आंख भी नहीं खुल पाई, अभी बच्चे जाग जाएंगे और खाने के लिए शोर मचाएंगे। यह सोचकर चुनमुन ने उड़ने के लिए पंख फैलाए, पर यह क्या, वह फुदक कर वापस डाल पर आ बैठी। इतने में बच्चे भी जाग गए। रुंझन बोला, माँ आपको तेज बुखार है ना? आज आप कहीं मत जाइए, यहीं आराम कीजिए। चुनमुन ने कहा, पर बेटा तुम्हारे लिए भोजन कौन लाएगा? मुझे जाना ही होगा। तभी टुन्नु बोला, माँ आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम भोजन की व्यवस्था स्वयं कर लेंगे। चुनमुन बोली, पर बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, आप आराम कीजिए, हम अभी आते हैं। यह कहकर दोनों शाखा पर फुदकते हुए आगे बढ़ गए। फुदकते फुदकते वे पड़ोसिन आंटी गुनगुन के पास पहुंचे। वह अपने दोनों बच्चों को बड़े प्यार से दाना खिला रही थी। उनको देखकर गुनगुन ने खुशी से उनका स्वागत करते हुए पूछा, अरे तुम दोनों घोंसले से बाहर क्यों आ गए? उन्होंने बताया कि हमारी माँ बहुत बीमार है, वह हमारे लिए खाना नहीं ला सकती। ओह यह तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया जो आकर मुझे बता दिया। यह कहकर गुनगुन ने उन दोनों को भरपेट खाना खिलाया। फिर कुछ
दाने लेकर चुनमुन के पास आई और बोली, लो बहन कुछ खा लो। बच्चों की चिंता मत करो, तुम्हारे ठीक होने तक मैं तुम सब के लिए खाना लेकर आऊंगी। चुनमुन बोली, नहीं बहन, तुम कष्ट मत उठाओ, मैं भोजन की व्यवस्था स्वयं कर लूंगी, मुझे किसी का एहसान लेना अच्छा नहीं लगता है। गुनगुन ने समझाया, नहीं बहन, यह एहसान नहीं है, संकट के समय यदि पड़ोसी ही पड़ोसी की सहायता नहीं करेगा तो कौन करेगा? पड़ोसी होने के नाते यह तो हमारा कर्तव्य है कि हम एक दूसरे के काम आए। फिर एहसान तो इन दोनों बच्चों का हम पर है। उस दिन यदि ये दोनों शोर नहीं मचाते तो ब्लैकी सांप मुझे और मेरे बच्चों को खा गया होता। उस समय हम तो गहरी नींद में सोए हुए थे। इन दोनों के शोर से सारे पक्षी इकट्ठे हो गए और उन्होंने सांप को भगा दिया। पूरी घटना सुनकर चुनमुन ने दोनों बच्चों को गले लगा लिया और गुनगुन को धन्यवाद दिया। अब इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? शिक्षा है, अच्छे पड़ोसी वही होते हैं जो संकट के समय एक दूसरे के काम आएं।